हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के जो एडमिशन होता है उसके संदर्भ में। दोस्तों बताना यही था कि जो न्यू एडमिशन होना था 2021-23 के लिए, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसमें जो आपको मेन बात है कि आज से ही मतलब 18 अगस्त 2021 से आपका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भराएगा, जिसका शुल्क 100 रुपया है। ठीक है, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगा। और इसमें जो है डीएलएड का जो सभी स्वीकृत सीटें हैं उसके लिए एडमिशन होगा। और दोस्तों इसमें एक ख़ास बात है कि इस बार कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना एग्ज़ाम के आपके जो मैट्रिक और इंटर के मार्क्स है उसके बेसिस पे इसका जो है से एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट आएगा। और इसमें दोस्तों आपको बता दें कि इसके न्यूनतम आपको होना चाहिए इंटरमीडिएट मतलब प्लस टू विथ 50% मार्क्स, तथा अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप, तो उसके लिए 5% का अतिरिक्त छूट मिलेगा। उर्दू अभ्यर्थियों के लिए भी 5% का छूट होगा। निशक जो है, जो फिजिकली चैलेंज हैं, उनके लिए 10% आरक्षित सीट होंगे। इसमें दोस्तों कुल जो है सीट उसे 50% कला वाणिज्य तथा 50% विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। स्वीकृत सीट की संख्या विषम होने पर एक पद विज्ञान के अधिक दिया जाएगा। उर्दू विषय का गणना कला वाणिज्य सीट के विरुद्ध किया जाएगा। नामांकन का आरक्षण चयन का प्रतिक्रिया जो होगा दोस्तों 10वीं और 12वीं के प्राप्त मार्क्स के प्रतिशत पर होगा। दोनों कक्षाओं प्राप्त औसत निकालते हुए नामांकन हेतु मेगा सूची जारी किया जाएगा। निर्माण कोटि किया जाएगा। प्राप्त अंक के औसत समान होने पर अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो ज़्यादा पढ़े हैं उनको वरीयता दिया जाएगा, और अगर वो भी बराबर हैं तो फिर आपका जो नाम है उसका लेटर का अनुसार होगा। जैसे कि किसी का नाम में फर्स्ट का लेटर ए आता है और दूसरे का नाम में बी आता है, तो जो ए वाले हैं उनको वरीयता दिया जाएगा। इसमें मौलवी जो होता है उर्दू विषय के छात्रों के लिए, वो भी भर सकते हैं। और इसमें दोस्तों साफ साफ लिखा है कि जो भी विद्यार्थी पॉलिटेक्निक या आईटीआई या अन्य प्रकार के योग्यता रखते हैं वो डीएलएड में नामांकन के लिए वैध नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास 12th और उसके समकक्ष योग्यता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपकी एडमिशन होगी। और इसमें न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए, 17 ईयर्स जो है सो न्यूनतम होनी चाहिए। और ये गणना होगी 1/1/2021 पर। ठीक है दोस्तों, पर जो भी महाविद्यालय हैं या एडमिशन के लिए जाएंगे उसके लिए आपको SBI कलेक्ट से ऑनलाइन पे करने होंगे, किसी भी हाल में ऑफलाइन पे नहीं करना होगा। ये एडमिशन टाइम के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आरक्षित कोटे के लिए नियमानुसार जो भी मतलब रिजर्वेशन है उसके आधार पर सूची तैयार किया जाएगा। मतलब जो OBC SC ST EWS का जो भी आरक्षण दिया गया है उसके अनुसार पे ही आपको लिस्ट बनेगा। इसमें दोस्तों जो भी आपका लिस्ट आएगा एडमिशन लिस्ट, तो ये एक तो कॉलेज के वेबसाइट पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, दूसरा अपना साइट पर जो बिहार बोर्ड का है उस पर उपलब्ध होगा, और आपको मोबाइल से भी भेज दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश आपको भूलवश किसी अन्य कोटा में एडमिशन मिल जाता है तो रद्द होने का पात्र होंगे और आपका पैसा रिफंड आ जाता है। इसमें दोस्तों जो मूल्य बातें हैं जो सभी को जानना चाहिए, उसका आवेदन प्राप्त करने का आरम्भ तिथि है वह है 18/8/2021। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 1/9/2021 मतलब 1 सितंबर को यह ख़त्म हो जाएगा। मेगा सूची जो निर्माण होगा उसका है 9 सितंबर 2021। और मेगा सूची के अनुसार पर जो दोस्तों आपको मेगा सूची उपलब्ध कराया जाएगा
वो है आपको 17/7/2019। इस पर आपको जो भी आपत्ति होगा उस पर आप प्रकाशित मतलब कंप्लेन कर सकते हैं, रिलेटेड जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ। दोस्तों अभी तक वेबसाइट खुला नहीं है, लेकिन हाँ आज उम्मीद है कि आज शाम शाम तक ऑनलाइन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और आप सभी इसके लिए तैयार रहें। 100 रुपये का फी है जो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट एवं सूचना पट पर अंतिम मेघा सूची का संपूर्ण प्रतीक्षा जो मतलब वेटिंग लिस्ट होता है उसका जो होगा 7/7/2021 को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित किया जाना है। और इसमें कोई खास बात तो है नहीं, डाक के माध्यम से निश्चित रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन दोस्तों हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका मोबाइल नंबर चालू हो, उस पे आपका जो मैसेज है वो आ जाएगा। और जो नामांकन का जो अंतिम सूची है वो आपको 30/9/2021 तक और 18/10/2021 तक दोनों सूची आपको प्राप्त कर दिया जाएगा। नामांकन प्रतिक्रिया आपको 19/10/2021 से बंद हो जाएगा। कक्षा संचालन की तैयारी भी 19/10/2021 से 20/10/2021 तक स्टार्ट हो जाएगा। फेस टू फेस या ऑनलाइन दोनों हो सकता है। इसमें 21/10/2021 का आपको कॉलेज के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट, सभी से मेरा गुजारिश है कि आप भरें अगर आप डीएलएड के लिए